बाकी स्टूडेंट्स फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे या मेकअप क्लास की वजह से होंगे ही कम। तो पहली चीज़ तो ये है कि सबको आवाज़ आ रही है, और दूसरे क्या सबको ये स्लाइड नज़र आ रही है प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल्स की? हाँ जी सर। ओके अच्छा, सो लास्ट टाइम से अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने ये कहा था कि अब हम प्रोसेसर की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करने के। एक है सिंगल साइकिल, दूसरा है मल्टी साइकिल, और तीसरा है पाइपलाइन। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन के अंदर हम जो ये जो हमारी क्लॉक होती है ना, जो चल रही होती है मुस्तकिल, ठीक है, इसका ये एक साइकिल होता है इस राइजिंग एज से इस राइजिंग एज तक। तो हम अपनी पूरी जो हमारी एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन होती है उसको इस साइकिल में कंप्लीट करते हैं। सो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और इस एक साइकिल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर इशू ये है कि साइकिल मस्ट बी लॉन्ग इनफ फॉर स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लेती, कुछ ज़्यादा टाइम लेती हैं और कुछ कम टाइम लेती हैं। तो अब हमारा जो क्लॉक साइकिल है इसको हमें इसकी यानी क्लॉक की स्पीड को इतना स्लो रखना पड़ता है कि जो हमारी स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन है, जो स्लो तरीन इंस्ट्रक्शन है, वो भी कंप्लीट हो जाए इस साइकिल के अंदर। अदरवाइज ये होगा कि अगर साइकिल कम होगा तो आपकी जो स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन है वो शायद हो सकता है यहाँ पे जाके कम्प्लीट हो, तो यहाँ पे तो दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने अगली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी थी तो वो काम नहीं चलेगा। तो हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारी क्लॉक कितनी स्लो चले कि जो हमारा जो स्लोएस्ट साइकिल स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी कम्प्लीट हो। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? ओनली एज फास्ट एज द स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, दूसरा ये है कि हम मल्टी साइकिल पे चले जाएं। हम ये कंडीशन रखें ही ना कि एक साइकिल के अंदर ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, बल्कि हम अपनी क्लॉक जो है वो उसकी कोई भी स्पीड हम रख सकते हैं इस केस में, और हम ये कर सकते हैं कि हम कहें कि कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस एक साइकिल में कंप्लीट होंगी, अगली इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि हमारी 2 साइकिल्स में कंप्लीट हो, उससे अगली इंस्ट्रक्शन फिर हमारी एक साइकिल में हो जाए। तो जो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़्यादा साइकिल्स लेंगी, और जो लेस कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम साइकिल लेंगी। तो ये थोड़ा सा बेहतर अप्रोच है इन द सेंस कि इसका एडवांटेज ये है कि ईच इंस्ट्रक्शन यूजेस ओनली एज मेनी साइकिल्स एज इट नीड्स, विच मीन्स कि आपका कोई टाइम ज़ाया नहीं होता। सिंगल साइकिल में हो सकता है कि एक तेज़ इंस्ट्रक्शन आधे साइकिल में ही कम्प्लीट हो जाए, और उसके बाद आपको वेट करना पड़े, ये वाला जो पोर्शन है वेट करना पड़े टिल नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट्स, क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन फिर आप अगले साइकिल में स्टार्ट कर सकते हैं, दरमियान में आप नहीं कर सकते साइकिल के। तो ये जो है ये आपका वेस्टेड टाइम आ जाता है, जबकि मल्टी साइकिल में इस तरह की चीज़ नहीं होगी। आप जिस साइकिल जिसको ज़्यादा साइकिल चाहिए वो ज़्यादा साइकिल्स में कम्प्लीट होगी, जिसको कम चाहिए होंगे वो कम होंगी। तो आप साइकिल टाइम को कम कर सकते हैं, इसका मतलब क्लॉक की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं ताकि आप जो है आप पे ये लिमिटेशन ना रहे कि हर इंस्ट्रक्शन ने एक साइकिल में कंप्लीट होना है। यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को? अगर इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारे यहाँ जो है ना, जी यू हैव एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो सी क्लॉक साइकिल कम ज़्यादा हो रही है, ये हम खुद मैन्युअली करेंगे कि होती ही जाएगी, प्रोसेसर करता जाएगा वो? नहीं, अच्छा क्लॉक साइकिल कम ज़्यादा नहीं हो रही, क्लॉक साइकिल का तो फिक्स टाइम है। इसकी जो मल्टी साइकिल की क्लॉक है इसका टाइम हम कम फिक्स कर देंगे, लेट्स से ये एक साइकिल इसका 1 सेकेंड का कर देंगे, सिंगल साइकिल का लेट्स से हम 1 साइकिल 3 सेकेंड का कर देंगे। ये डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, यानी ये प्रोसेसर ही फिर सिंगल साइकिल पे चलेगा थ्रू आउट, बनने के बाद से लेके अपनी मौत तक ये सिंगल साइकिल पे चलेगा। मल्टी साइकिल वाला डिज़ाइन ही मल्टी साइकिल के लिए होगा, तो इसमें हम इस क्लॉक को चेंज नहीं कर सकते। ये हार्डवेयर जब बनता है उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, ठीक है, तो बाद में चेंज नहीं होता। क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा तीसरी इम्प्लीमेंटेशन हमारी है जिसको हम लोग कहते हैं पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन। पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में रन करते हैं एक असेंबली लाइन की तरह।
और हर इंस्ट्रक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में। तो एक बड़ी इंस्ट्रक्शन के बजाय उस इंस्ट्रक्शन को हम छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। हर छोटा स्टेप जो है वो एक साइकिल लेता है और चार या पांच स्टेप्स के बाद वो कंप्लीट हो जाती है इंस्ट्रक्शन। लेकिन पांच या छह या दस इंस्ट्रक्शंस हम पैरेलल में रन करना शुरू कर देते हैं पाइपलाइनिंग के अंदर, बिल्कुल असेंबली लाइन की तरह। तो इसको हम बड़े डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पाइपलाइन किस तरह होता है। तो पाइपलाइन से हमें बहुत ज़्यादा स्पीड अप मिल जाती है, और कंपेयर टू मल्टी साइकिल और सिंगल साइकिल पाइपलाइन इज अ मच सुपीरियर इम्प्लीमेंटेशन। और आजकल जितने नए प्रोसेसर्स हैं दे आर ऑल पाइपलाइन, ना वो मल्टी साइकिल है ना वो सिंगल साइकिल है। ये हो गई पुरानी टेक्निक्स, अब सारा कुछ पाइपलाइन होता है। तो आगे का जो हमारा चैप्टर है वो सारा हम पाइपलाइन पे ही पढ़ेंगे कि पाइपलाइन किस तरह चलती है। लेकिन पाइपलाइन को समझने के लिए पहले हम सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे, फिर मल्टी साइकिल समझेंगे। उसके बाद जब ये दोनों समझ आ जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि इनको हम पाइपलाइन किस तरह से करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी आगे रिविजन ही है हार्डवेयर रिलेटेड। ये आपने डीएलडी में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इस चैप्टर में रिवाइज भी कर लेंगे। सो फंक्शनल एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग आते हैं। टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल एलिमेंट्स इन द हार्डवेयर। सो जितना भी हार्डवेयर बनता है ना उसको आप बेसिकली फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे एलिमेंट्स जो दैट ऑपरेट ऑन डेटा कॉल्ड कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स, एंड द अदर एलिमेंट्स आर दैट कंटेन डेटा दैट इज कॉल्ड स्टेट और सिक्वेंशियल एलिमेंट्स। यानी कि दो तरह के आपके एलिमेंट हो सकते हैं। एक वो है जो डेटा स्टोर करती है, यानी उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ होता है और उसको हम स्टेट एलिमेंट कहते हैं या सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। और दूसरा हमारा सर्किट वो होता है जो डेटा के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है एंड और लॉजिक व्हाटएवर। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स कहते हैं। ये अगर आप अपने डीएलडी से रिकॉल करें तो दीज आर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड दीज आर सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, तो इस तरह के दो एलिमेंट्स होंगे, तो दोनों को हम इस्तेमाल करके अपना प्रोसेसर जो है वो बनाएंगे। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है। एक सेकंड जी, मेरा कॉल आ रही है। सॉरी यार, ये इसमें कॉल आ गई थी। अच्छा, कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स जो है हमारे, उसमें क्या होता है कि इट वर्क्स एज एन इनपुट आउटपुट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, उसको एक पर्टिकुलर इनपुट आप देंगे तो उस इनपुट के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर आपको आउटपुट दे देगा। जिस तरह आपका एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो हमने पढ़ा था एएलयू, ये एक बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल एलिमेंट है। कॉम्बिनेशन लॉजिक रीड्स इनपुट डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर एंड राइट्स आउटपुट डेटा टू अनदर और सेम रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर क्या होता है? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं व्हाट इज द रजिस्टर? सर, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज होता है, मेमोरी एलोकेशन होती है टेम्परेरी। बिल्कुल बिल्कुल। सो एएलयू क्या होता है कि सॉरी रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स। हर फ्लिप फ्लॉप पे अगर आप रिकॉल करें तो हम वन बिट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। इन फ्लिप फ्लॉप को सेट करते हैं तो उस पर वन स्टोर हो जाता है, रीसेट करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से इट्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लिप फ्लॉप्स एंड वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा दैट वी वॉन्ट ऑन दोज फ्लिप फ्लॉप्स। तो उसको जब कंबाइन हम कर लेते हैं तो देन इट इज कॉल्ड अ रजिस्टर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या करती है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो है हमारी कनेक्टेड होती है, यानी उसकी जो इनपुट होती है उसके ऊपर भी एक स्टेट एलिमेंट होता है, दैट मींस के एक रजिस्टर होता है, और उसकी आउटपुट के ऊपर भी एक और स्टेट एलिमेंट होता है, एक और रजिस्टर होता है। सो व्हाट इट डज इज इट टेक्स डेटा फ्रॉम अ स्टेट एलिमेंट। और स्टेट एलिमेंट से आप डेटा क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे डेटा स्टोर हुआ हुआ होता है, परमानेंटली आपको अवेलेबल होता है।
तो आप स्टेट एलिमेंट से डेटा लेते हैं, उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से ये गेट्स हैं इस तरह का, या कोई भी ऑपरेशन। और फिर जो भी आपका आंसर आता है उसको आप एक और स्टेट एलिमेंट के अंदर सेव करते हैं। सो ऐसा नहीं होता कि कॉम्बिनेशन पे बस डेटा आता है और आके चला जाता है, उसका डेटा आता भी एक स्टोरेज यूनिट से है, और वो जो ऑपरेट कर चुका होता है तो उसका जो आउटपुट होती है वो फिर हम एक स्टोरेज एलिमेंट के अंदर ही सेव कर देते हैं। कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन लॉजिक इस तरह कनेक्टेड हो कि एक स्टेट एलिमेंट यानी कि एक रजिस्टर से उसमें डेटा आए, वो उस पर ऑपरेट करे और वापस उसी रजिस्टर के अंदर वो डेटा वापस लिखवा दे, यानी कि उसको चेंज करके। सो फॉर एग्जांपल स्टेट एलिमेंट में वन था, कॉम्बिनेशनल एलिमेंट था कि जी इसमें एक वन ऐड कर दें, तो वन ऐड करके यहाँ पे दोबारा टू लिखवा देगा, और फिर एक दफ़ा चलेगा तो थ्री लिखवा देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप जो है एक स्टेट एलिमेंट लेते हैं, फिर कॉम्बिनेशन लॉजिक और दूसरा स्टेट एलिमेंट। एंड क्लॉक के साथ ये सिंक्रोनाइज किस तरह होता है कि क्लॉक की राइजिंग एज के ऊपर ये स्टेट एलिमेंट अपना डेटा इसको दे देता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉम्बिनेशनल एलिमेंट जो है इसके ऊपर ऑपरेट करता है और डेटा नया जनरेट करता है, और इस राइजिंग एज के ऊपर ये डेटा इस स्टेट एलिमेंट में सेव हो जाता है। तो इस तरह एक साइकिल में कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो है वो अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। तो सो इट स्टार्ट्स विद दिस राइजिंग एज, देन देयर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक व्हिच टेक्स सम टाइम, सो वो टाइम हम उसको देते हैं इस क्लॉक के अंदर, और इस राइजिंग एज के ऊपर हम उस डेटा को सेव करवा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आ जाती है और उसकी राइजिंग एज के ऊपर नेक्स्ट डेटा यहाँ से आ जाता है, वो सेव होता है और फिर वो आगे चलता रहता है। ठीक है जी, क्लियर है? इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। सो ये स्टेट एलिमेंट इस राइजिंग एज के साथ है, और ये स्टेट एलिमेंट इस राइजिंग एज के साथ है, और ये दरमियान में कॉम्बिनेशन लॉजिक ऑपरेट करती है, और फिर हमारा अगला साइकिल स्टार्ट होता है, अगला डेटा आता है और फिर वो यहाँ पे सेव होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी हर इंस्ट्रक्शन है। सो ये पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन, आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस इस तरह से एग्जीक्यूट होती जाती हैं। अच्छा, सो ये हमने सारा कर लिया स्टेट एलिमेंट्स। अगेन दिस इज I've already covered this, लेकिन मैं इसको रीड कर देता हूँ कि स्टेट एलिमेंट्स कंटेन डेटा इन इंटरनल स्टोरेज, दैट इज रजिस्टर्स एंड मेमरी। ठीक है, सो आपके रजिस्टर्स हैं, मेमरी है। ऑल स्टेट एलिमेंट्स टुगेदर डिफाइन द स्टेट ऑफ द मशीन। स्टेट ऑफ द मशीन क्या है? स्टेट ऑफ द मशीन है कि किसी एक गिवन टाइम के ऊपर आपका प्रोसेसर किस स्टेट के अंदर है। इसको आसान अल्फाज में सब बता सकता हूँ कि अगर आप मसलन इस वक्त एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक सर्टन स्टेट है। फॉर एग्जांपल उसका उसकी रिंगटोन की एक वैल्यू है, रिंगटोन की एक वॉल्यूम है, उसके अंदर एक सिम का नंबर पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ मैसेजेस पड़े हुए हैं, उसके अंदर कुछ ऐप्स हैं जो आपने रन की हुई हैं, तो ये उसकी स्टेट है, ये उस मशीन की स्टेट है। इसी तरह से अगर आप एक लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एट एनी गिवन टाइम उस कंप्यूटर में जो कुछ रन हो रहा है वो उसकी स्टेट है। उसमें कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, उसकी रैम के अंदर क्या डेटा है, उसके प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है, उसकी उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है, तो ये उसकी स्टेट ऑफ द मशीन है। ये पूरी स्टेट जो है एक हार्डवेयर में मेमोरी के अंदर सेव हुई है। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? थिंक ऑफ शटिंग डाउन एंड स्टार्टिंग अप अगेन। सो क्या हुआ, यानी अगर आप उसको बंद करेंगे और दोबारा स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है वो अपनी उस स्टेट में आने के लिए फिर कुछ टाइम लेगा और वो मेमोरी से रिकॉल करेगा कि वो किस स्टेट के अंदर था, कौन सी चीज़ें रन हो रही थी, किस स्टेट के ऊपर रन हो रही थी। तो जो पूरी ओवरऑल जो हार्डवेयर किसी भी जगह पे होता है उसको हम लोग उसको स्टेट ऑफ दैट मशीन कहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर में इसका ये मतलब है कि कौन से फ्लिप फ्लॉप्स पे वन है और कौन से फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर जीरो है, ये पूरा जो एक मैप बना हुआ है उसके अंदर, इसको हम स्टेट ऑफ द मशीन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? किस इस पर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।
ठीक है। अच्छा अब आगे वो ये फ्लिप फ्लॉप्स एंड लैचेस, ये हमने दोनों पढ़े थे, फ्लिप फ्लॉप्स भी लैचेस आर वन बिट स्टेट एलिमेंट्स, इक्विवेलेंटली दे आर वन बिट मेमोरीज। सो एक फ्लिप फ्लॉप या एक लैच के ऊपर आप एक बिट स्टोर कर सकते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप वन बिट मेमोरी है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप और लैच ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द बिट वैल्यू स्टोर्ड, that is its state and can be called 1-0 high low true false. So flip flop ki state kya hai, agar hum state ki baat kare to flip flop ki state ye hoti hai ki us pe kya store hua hai, one store hua hai ya zero store hua hai. theek hai, to one hai to hum usko high bhi keh sakte hain, true bhi keh sakte hain, one bhi keh sakte hain, zero store hua hai to zero bhi kehte hain, low bhi kehte hain, false bhi kehte hain, but anyway jo bhi us pe store hua hua hota hai value wo usko hum usko flip flop ki state kehte hain. theek hai, the input to a flip-flop or a latch can change its state depending on whether it is clocked or not. इसको अभी छोड़ दें clocked or not. जो input flip-flop की input होती है उसके through हम उसकी state को change करते हैं. यानी कि आपने अगर recall करें तो हम लोगों ने set और reset जो है हर flip-flop के अंदर रखा हुआ था. तो set से flip-flop पे one set हो जाता है और reset से flip-flop के ऊपर zero आ जाता है. तो वो उसके inputs के through हम उसको change करते हैं. अच्छा ये हमारा सेट रीसेट लैच है एक, इसकी इफ यू रिकॉल इसकी एक इनपुट है जिसको हम सेट कहते हैं, एक इनपुट है जिसको हम लोग रीसेट कहते हैं, और इसके ऊपर जब मैं वन दूंगा तो क्यू जो है वो उस पर वन सेट हो जाएगा, क्यू बार के ऊपर जीरो आ जाएगा, और जब मैं रीसेट को वन करूंगा और इसको जीरो करूंगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे वन हो जाएगा. तो इसको हम इफ यू रिकॉल हम NAND गेट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, NOR गेट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसकी आउटपुट जो होती हैं फ्लिप फ्लॉप की वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी कि क्यू और क्यू बार ऑपोजिट होते हैं, तो क्यू पे वन होगा तो क्यू बार पे जीरो होगा एंड वाइस वर्सा. इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें इसकी इनपुट्स क्यू और क्यू बार हैं, तो जो भी आपके लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनकी हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स होती हैं. इसके अंदर क्लॉक कोई भी नहीं है, इसके अंदर जो है विदाउट क्लॉक के काम कर रहा है, तो जैसे ही आप सेट को सेट करेंगे ये सेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप बेशक इनको जीरो जीरो भी कर दें, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये अपनी वैल्यू रिटेन करके रखेगा. ठीक है, इसमें कोई अगर चीज किसी को क्लियर ना हो तो पूछ लें. ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं सिंक्रोनस लॉजिक के ऊपर. ये जो थी ना ये जो फ्लिप फ्लॉप, ये जो लैच और फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़े ना, ये एसिंक्रोनस थे. एसिंक्रोनस का मतलब है कि इनका क्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है. सिंक्रोनस लॉजिक वो है जिसमें आपका जो लैच या फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक्ड होगा, यानी कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी क्लॉक की राइजिंग एज से या फॉलिंग एज से. ठीक है, तो क्लॉक्स आर यूज्ड इन सिंक्रोनस लॉजिक टू डिटरमिन व्हेन अ स्टेट एलिमेंट इज टू बी अपडेटेड. Clocks are used in synchronous logic to determine when a state element is to be updated. In level-triggered clocking methodology, either the state changes only when the clock is high or only when it is low, technology-dependent. तो ये उसने कहा level-triggered, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि latches हमारे level-triggered होते हैं. तो state सिर्फ तब change होगी जब clock high होगी. अगर वो high यानी positive latch है. और कुछ लैचेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ स्टेट चेंज होगी जब क्लॉक जो है वो लो होगी, उनको हम लो लेवल लैचेस भी कह सकते हैं. फिर इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, उनकी स्टेट सिर्फ तब चेंज होगी जब आपके पास राइजिंग एज आएगी या आपके पास फॉलिंग एज आएगी, उसके अलावा दरमियान में किसी भी पॉइंट पे उसकी स्टेट नहीं चेंज होगी टिल यू एक्चुअली गेट अनदर एज. तो वो सिर्फ एज के ऊपर अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, बाकी टाइम स्टेट चेंज नहीं होती. ठीक है, so in edge triggered clocking methodology either the rising edge or the falling edge is active depending on technology
स्टेट्स चेंज ओनली ऑन राइजिंग एजेस और ओनली ऑन फॉलिंग एजेस। सो ये आपने याद रखना है कि लैचेस आर लेवल ट्रिगर्ड, फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड। सो फ्लिप फ्लॉप जो है वो राइजिंग या फॉलिंग एज के ऊपर ट्रिगर होते हैं, और लैचेस जो हैं वो हाई क्लॉक या लो क्लॉक के ऊपर ट्रिगर होते हैं। क्लियर है? सो दोनों आपको फर्क पड़ गया, पता लग गया लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स के दरमियान। यस सर, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप अभी। चले आगे, क्लियर है तो हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये है एक क्लॉक्ड एसआर लैच। इसमें यानी नोट करने वाली बात ये है कि आपका इनपुट उसी तरह से ही है, एस और आर, सेट और रीसेट, लेकिन साथ एक तीसरी इनपुट भी है जो कि क्लॉक की है। ठीक है, तो अब इसकी हम बहुत डिटेल में वर्किंग नहीं देखेंगे कि क्लॉक एस बार को बंद करने से यहाँ पे क्या आएगा एंड सो ऑन। ये डीएलडी में आप ने काफी डिटेल के अंदर देखा था कि ये फीडबैक होता है, फिर यहाँ पे वन सेट होता है। सो एनीवेज द पॉइंट इज के जब तक के क्लॉक जो है वो हाई रहेगी तब तक स्टेट कैन चेंज ओनली व्हेन द क्लॉक इज हाई। जब क्लॉक लो होगी तो ये उसको चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह के जो हमारे लैचेस होते हैं उसमें एक एडिशनल इनपुट हम क्लॉक की दे देते हैं। ये हमारा डी लैच है। इफ यू रिमेम्बर, डी लैच जो है वो उसमें आप डेटा, उसकी एक ही इनपुट होती है जो डी के नाम से होती है, और डी पे जब आप वन लिखवाते हैं तो इसमें वन स्टोर हो जाता है, और जब डी पे आप जीरो देते हैं तो इस पे जीरो चला जाता है। और ये सिर्फ जब क्लॉक हाई होती है, यानी यहाँ पे आप ये देखें, ये वो ये इंडिकेट कर रहा है कि डी यहाँ पे जीरो था, उसके बाद डी यहाँ से यहाँ तक आपने वन रखा। ठीक है, लेकिन आपका क्यू जो अगर आप नोट करें, वन कब हुआ है, यहाँ पे जाके हुआ है, तब हुआ है जब क्लॉक हाई हुई है। जब तक क्लॉक लो थी, ये आप देखें यहाँ पे क्लॉक लो थी, और दो डी चेंज हो गया था लेकिन क्यू चेंज नहीं हुआ। डी हाई हो गया था लेकिन क्यू अभी तक लो है। क्यू हाई यहाँ पे जाके हुआ है, यहाँ पे जाके क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक हाई थी। अब जब क्लॉक यहाँ पे लो हो गई तो आप देखें कि ये हाई ही रहा, उसके बाद यहाँ पे डेटा फिर लो हो गया, लेकिन यहाँ पे डी हाई रहा, यहाँ पे भी डी हाई है, हालांकि ऊपर डी जीरो हो चुका हुआ है। अब क्यू जो है वो लो कब होगा, जब अगेन क्लॉक हाई होगी। क्लॉक हाई हुई साथ ही डी लो हो गया, इसने इसको फॉलो किया। सो ये तो आप देखें कि जो क्यू है वो सिर्फ तब चेंज होता है जब क्लॉक हाई होती है। जब क्लॉक हाई होती है तो समझ लें कि एक गेट खुलता है, और उस वक्त वो देखता है कि डी की क्या वैल्यू है, और डी की वो वैल्यू वो यहाँ पे फिर क्यू पे लिखवा देता है। लेकिन जब तक क्लॉक लो रहती है, जैसा यहाँ पे लो रहती है, तो डी में कोई चेंज नहीं आता। हालांकि यहाँ पे आप देखें कि डी चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे डी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गेट बंद था, ये जो क्लॉक थी ये लो थी, इसलिए इट वॉन्ट अफेक्टेड। सो इट विल ओनली चेंज वंस द क्लॉक इज हाई। क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो क्वेश्चंस? अच्छा, मैं यार अब देखता हूँ, अभी तो 8 अटेंडिंग्स हैं। चलें एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर हम क्लास वैसे भी आधे घंटे की होगी। मैं बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं कवर करना चाहता क्योंकि फिर बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हम बस आखिरी चीज आज पढ़ लेते हैं। ये है क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप। सो ये इसके हम सर्किट की डिटेल्स में भी नहीं जाते। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो डीएलडी के कोर्स से वो ये पढ़ सकता है कि ये एज ट्रिगर्ड है। वो तो लेवल ट्रिगर्ड था ना, ये एज ट्रिगर्ड है, और ये 3 SR लैचेस से बना हुआ है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी वैल्यू है ना डी के ऊपर, वो सिर्फ चेंज होगी जब ये एज आएगी। वो इस एज के वक्त देखेगा कि डी की क्या वैल्यू है,
और डी की जो भी वैल्यू होगी, अगर मसलन डी की वैल्यू इस वक्त जीरो है, तो इस फिर वो इस पूरे साइकिल के लिए क्यू जीरो रहेगा। उसके बाद अगर अगली एज आती है और लेट्स से डी है, अगली एज आती है और उस एज पे वो देखेगा डी क्या है, अगर लेट्स से उस वक्त डी वन है तो फिर ये अगले उसके लिए डी को वन कर देगा और फिर वो अगली एज तक बन ही रहेगा। तो ये एज ट्रिगर्ड है आपका फ्लिप फ्लॉप और ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, चले यार आज के लिए काफी है। मैं अटेंडेंस सबकी मार्क कर दूंगा क्योंकि मेकअप क्लास में मैं किसी को एब्सेंट नहीं करता। वजह ये है कि बहुत सारे लोग किसी वजह से नहीं ले पाते क्योंकि स्केड्यूल क्लास नहीं होती। So I will mark everyone present, but unfortunately we only have 8 attendees. So हमने आधे घंटे की क्लास की है, वैसे 40 मिनट्स की होती है रमजान में, लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा मटेरियल कवर करूँगा तो फिर बाकी लोगों के लिए फॉलो अप करना नेक्स्ट वीक मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। No question. No, sir. चलें, ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।